गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जिंदगी फर्स्ट सेम में हमारा जो आज का प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड आईओ के जो आज का स्टेटमेंट है वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? गो से समझ लो, गो यानी जाना, जाकर कोई भी काम को कर। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रोग्राम में कुछ कंडीशन देंगे और उसके साथ गो टू स्टेटमेंट लगाएंगे और उनसे बोलेंगे प्रोग्राम में कंडीशन के कंडीशन को ये कंप्लीट जाओ जाकर काम करा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है गो टू स्टेटमेंट की डेफिनेशन। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अल्टर द प्रोग्राम। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है? हमारे प्रोग्राम में ऑपरेशन का काम करता है या कुछ चेंजेस के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक रन होता है। ठीक है, गो टू सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करता है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इस स्टेटमेंट को रन कराता है, जिस स्टेटमेंट को उसको उस कंडीशन के हिसाब से रन कराना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले पहले कंडीशन करती है फिर सेकेंड कंडीशन, भले ही आपको फर्स्ट सेकेंड कंडीशन पर डायरेक्ट जाना, लेकिन वो पहले फर्स्ट करेगी फिर उसके बाद सेकेंड करेगी। ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी,
कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। 23 पढ़ा नहीं है 33 से, तो ये कहाँ जाता है, एल्स स्टेटमेंट पे। एल्स स्टेटमेंट पे जैसे ही जाता तो उसने कहा भैया गो टू आउट पे जाइए, ठीक है। अब आपका वर्ब नहीं रन करेगा, सीधे क्या रन करेगा, गो टू आउट। आउट टू में क्या लिखा है, प्रिंट है द लार्जेस्ट वैल्यू इज बी, ठीक है। उसको रीड करा देगा स्क्रीन पर, प्रिंट करें जो भी वैल्यू लार्जेस्ट होगी उसको हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्कोर से बाहर हो जाती है। इतना प्रोग्राम समझ में आया, ये प्रोग्राम में आता है शॉर्ट कोड में, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कभी ज्यादा नहीं बना था, तो इस प्रोग्राम को कम बनाने की कोशिश करना है, कोशिश करना है कि ये प्रोग्राम कंडीशन बनाए, ठीक है।